हाय, मैं हूँ डॉक्टर चारू बंसल, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्रैक हील्स के बारे में बात की थी, जो सर्दियों की एक कॉमन समस्या है। आज की वीडियो में मैं सर्दियों की एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम को लेकर आई हूँ, जो है बालों से झड़ता, कंधे पे आता, परेशान करता, यस, डैंड्रफ। डैंड्रफ के बारे में मैं कोई थ्योरी या किताबी बातें नहीं कहूँगी, मैं वो प्रैक्टिकल बातें डिस्कस करूँगी जो अक्सर पेशेंट्स क्लिनिक पे आते हैं और मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं। सो आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहेगी। तो फर्स्ट कंप्लेंट जो पेशेंट्स अक्सर करते हैं क्लिनिक पे आते हैं, बोलते हैं, मैम हमारे सर में ना बहुत रूसी हो गई है, डैंड्रफ हो गई है, बहुत ड्राइनेस हो गई है। हम तेल लगाते हैं तो वो ठीक हो जाती है, तेल लगाना बंद कर देते हैं तो फिर वो आ जाती है। तो मेरा रिप्लाई ये होता है, आप ध्यान से सुनिएगा, डैंड्रफ इज नॉट ड्राइनेस। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, डैंड्रफ ड्राइनेस नहीं है। डैंड्रफ इज बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑयल, जिसे हम सीबम कहते हैं। एक्चुअली हमारे स्कैल्प से कॉन्टिन्यूसली ऑयल प्रोड्यूस होता रहता है, जिसे हम सीबम कहते हैं। उसका काम होता है बालों को नेचुरली कंडीशनिंग एंड नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस देना, ताकि बाल फिजियो ड्राई ना हो। तो जब उस सीबम यानी वो जो सिंपल लैंग्वेज में ऑयल की क्वांटिटी बढ़ जाती है या उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है, तो वो डैंड्रफ की फॉर्म में जैसे फ्लेकिंग या पपड़ी की तरह हमारे सिर में जम जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस, डैंड्रफ इज नॉट ड्राइनेस, इट इज ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑयल। सो प्लीज डोंट अप्लाई ऑयल। डैंड्रफ वाले पेशेंट्स को बालों में तेल बिल्कुल नहीं लगाना। ओके, नाउ सेकेंड कंप्लेंट। पेशेंट्स बोलते हैं, मैम हम जब भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं हमारा डैंड्रफ ठीक हो जाता है, लेकिन हम जैसे बंद करते हैं वो फिर हो जाता है, आप इसे जड़ से खत्म कर दीजिए। सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ कि डैंड्रफ को हम जड़ से खत्म नहीं कर सकते। यस, डैंड्रफ का कोई क्योर नहीं है, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। सो आई ऑलवेज एडवाइस माई पेशेंट्स कि आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो भी यूज कर रहे हैं उसे स्टार्टिंग में आप एक एक दिन छोड़कर जैसे यूज करते हैं, कैसे यूज करना है वो मैं अभी आगे बताऊंगी। उसके बाद आपका डैंड्रफ अगर ठीक भी हो जाता है, आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू को 2 से 3 हफ्ते में यूज करते रहना है, ताकि आपकी डैंड्रफ वापस लौट के ना आए। तो इट्स वेरी सिंपल, आपको सिर्फ अपना एंटी डैंड्रफ शैम्पू 15-20 दिन में एक बार यूज करना है, तो आपकी डैंड्रफ की समस्या दोबारा होगी नहीं। ठीक है, अब थर्ड थिंग जो पेशेंट अक्सर आते हैं बोलते हैं कि मैम हम बहुत टाइम से ना एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर रहे थे तो हमारा डैंड्रफ ठीक रहता था, लेकिन अब उस शैम्पू ने काम करने बंद कर दिया है, ये कैसे हो गया? तो इसका रिप्लाई है रेजिस्टेंस। मतलब आपने सुना होगा कि हम एक एंटीबायोटिक खाते रहते हैं तो फलाना बैक्टीरिया उससे रेजिस्टेंट हो जाता है, वो दवाई काम करना बंद कर देती है। सो डैंड्रफ इज अ फंगल इन्फेक्शन। जी हाँ, डैंड्रफ फंगल इन्फेक्शन है। तो ऐसे ही अगर आप एक ही मॉलिक्यूल, एक ही सॉल्ट वाला शैम्पू लंबे टाइम तक यूज करते रहेंगे तो फंगस रेजिस्टेंस आ जाता है, वो फंगस उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है, वो दवाई उसमें काम करना बंद कर देती है। सो इम्पॉर्टेंट टिप इज, आप अपना एंटी डैंड्रफ शैम्पू चेंज करते रहिए, मतलब वो मॉलिक्यूल चेंज करते रहिए। जैसे अगर आप कीटोकोनाजोल यूज कर रहे हैं तो थोड़े टाइम बाद आप साइक्लोपाइरोक्लोहेक्सामाइन पे शिफ्ट हो जाइए, फिर थोड़े टाइम बाद आप क्लोट्रिमाजोल पे शिफ्ट हो जाइए, या फिर आप जिंक पाइरेथ्रिनोन पे शिफ्ट हो जाइए। मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंटी डैंड्रफ शैम्पू मार्केट में अवेलेबल होती है, जो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट, पेशेंट्स बोलते हैं, मैम ये आप क्या कह रहे हो, हम तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते तो हमारे बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, हेयर फॉल होने लगता है, हम उसको इतना रूटीन में यूज करेंगे लाइफ लॉन्ग तो बाल तो बिल्कुल खराब हो जाएंगे। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू यूज योर एंटी डैंड्रफ शैम्पू। ओके, एंटी डैंड्रफ शैम्पू को यूज करने का एक तरीका होता है। अब क्या कीजिए, एंटी डैंड्रफ शैम्पू को लीजिए, यहाँ रूट्स में लगाइए, स्कैल्प पे लगाइए, लीव इट फॉर 5 to 7 मिनट्स, 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपना पानी डाल के इसको रिंस करके वॉश ऑफ कर दीजिए। फॉर गर्ल स्पेशली जो लेंथ ऑफ द हेयर होती है या ये जो लंबे बाल टेंगल्ड आपके फ्रीजी हेयर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू, आप उसमें एंटी डैंड्रफ शैम्पू नहीं लगाइए। अपना रूटीन शैम्पू या कंडीशनर, उसके बाद जब आपने एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर लिया, उसके बाद आप अपना रूटीन शैम्पू और कंडीशनर यूज कीजिए और उसे अपने बाल धो लीजिए, तो आपके बाल ड्राई और फ्रिजी भी नहीं होंगे और आपका डैंड्रफ भी कंट्रोल रहेगा, है ना, सिंपल। सो इस वीडियो से हमने जो शॉर्ट में एक मैसेज मिला, जो सीखा, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। नंबर वन, डैंड्रफ इज नॉट ड्यू टू ड्राइनेस, इट इज ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑयल।
सो प्लीज डोंट अप्लाई हेयर ऑयल, आपको बालों में तेल नहीं लगाना। नंबर टू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो भी आप यूज कर रहे हैं उसे स्टार्टिंग में एक एक दिन छोड़कर या दो दो दिन छोड़कर, मतलब हफ्ते में 2 से 3 बार यूज कीजिए। और उसके बाद जब आपका डैंड्रफ ठीक भी हो जाता है, उस एंटी डैंड्रफ शैम्पू को आप 15 से 20 दिन में एक बार जरूर इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका डैंड्रफ दोबारा ना हो। थर्ड पॉइंट, एक ही टाइप का एंटी डैंड्रफ शैम्पू लंबे समय तक यूज नहीं कीजिए। आप डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स वाला शैम्पू यूज करते रहिए ताकि आपका शैम्पू काम करता रहे। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपना एंटी डैंड्रफ शैम्पू यहाँ स्कैल्प में लगाइए, ये लेंथ में मत लगाइए, नहीं तो बाल ड्राई फ्रिजी एंड रूखे हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, यस वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली विंटर्स में हेड वॉश करने के लिए गर्म पानी, हॉट वाटर बिल्कुल यूज नहीं कीजिए। आई नो इट्स डिफिकल्ट, विंटर्स में गर्म पानी से सब नहाना चाहते हैं लेकिन आपके बाल डैमेज हो जाते हैं गर्म पानी से। इसलिए पानी का टेम्परेचर सिर्फ उतना रखिए कि वो हल्का सा, मतलब उसका ठंडा वाला वो एलिमेंट निकल जाए, बस सील हो, मतलब हल्का सा गुनगुना सा पानी जितना पॉसिबल हो वो कोल्ड की तरफ हो, कोल्ड टेम्परेचर की तरफ, उससे अपने हेड वॉश कीजिए। अगर आपको लगता है कि बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं बिना ऑयलिंग के डैंड्रफ वाले पेशेंट्स के भी, तो आप सिर धोने के 1 घंटा पहले अपने बालों में या रूट्स में या ये लेंथ ऑफ द हेयर में ऑयलिंग कर सकते हैं, लेकिन पूरी रात तेल बिल्कुल नहीं छोड़ना। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जो अक्सर पेशेंट्स की क्वेरीज होती हैं क्लिनिक पे। स्टिल अगर आपको लगता है कि आप कुछ और पूछना चाहते हैं या आपकी कोई और क्वेश्चंस हैं या आप कोई मुझे सजेशंस देना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं इसी टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हिंदी इंग्लिश या मिक्स हिंदी इंग्लिश में बनाती रहूँ, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट्स करते रहिए। थैंक यू।